रेत बजरी मिल जाया करती थी, लेकिन आज भी अगर किसी ने लॉटरी बैठने का फॉर्म आज जो हमारी प्रेस वार्ता है वो इसलिए हमने रखी थी कि हम जोरदार तरीके से डिमांड करते हैं कि हमारा स्टेटहुड का दर्जा जो है हमें वापस दिया जाए, क्योंकि 370 टूटने के बाद और यूटी का कानून लगने के बाद जिस प्रकार जम्मू के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जम्मू का रोज़गार जो है वो छीना जा रहा है, जम्मू का जो बच्चा जो ऑलरेडी कभी पहले कश्मीर से सताया हुआ था अब वो ऑल ओवर इंडिया से कॉम्पिटिशन कर रहा है। आप देखें कि जिस प्रकार सिद्रा के अंदर जो रेस्टोरेंट सीज किए गए, जब 2 साल वो पहले रेस्टोरेंट्स बन रहे थे, जब वो एस्टेब्लिश हो रहे थे, तब ये एक्ट क्यों नहीं निकाला गया, तब वो फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट एक्ट क्यों नहीं निकाला गया। आज जिस प्रकार वाइन शॉप्स के लिए रिलेटेड जो रूल्स इन्होंने लॉ निकाला है कि मंदिरों का शहर जो है अब वो शराब की दुकानों का शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, हम इसे कंडेम करते हैं। हम अपने अपने वार्डों में जो नई दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, उसे नहीं खुलने देंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर ही आप सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम चलने नहीं देंगे। जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले जो इस प्रकार माइनिंग माफिया जो है एक रेत और बजरी का जो ट्राली थी जो हमें 1500 रुपए की 1200 की मिलती थी, आज वो हमें 5000 की 8000 की मिल रही है। जिस गरीब व्यक्ति ने लोन लेकर घर बनाना है, जिस व्यक्ति ने उधार लेकर घर बनाना है, वो कहाँ से अपना घर बनाएगा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो जम्मू के अंदर ही किए जा रहे हैं, क्यों नहीं आप कश्मीर के अंदर जाके ये एक्सपेरिमेंट करते। तो इसके ऊपर ये आज की हमारी जो प्रेस वार्ता थी।